ये भाई का 6 साल टाइम हो गया। देख जो चल रहे हैं एक लाठी से, एक छड़ी के सहारे से, और इसी से बात किए हैं वीडियो कॉलिंग में। कैसे रिकवरी लाया, क्या क्या खाया, क्या अक्सर बोले आप सब अब ये जो है मेरे अंकल जो है इस तरीके से कि पल्ला नहीं, हाँ, ओवर नहीं है। पैर का उंगली में पावर बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें भी पावर नहीं है। ये उंगली है ना, ये हाँ, इसमें भी पावर नहीं है। और ये है, इसमें पावर नहीं है। ये पैर में बिल्कुल ये पावर नहीं है, जीरो पावर है इसके अंदर। पावर और पैर में सूजन जैसा लग रहा है, वो क्या है? और पैर 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 हाँ, इस पर सूजन रहती है, जैसे कि हाँ इस पर सूजन है ना पैर को, अगर मैं ऊंची ऊंचा रख लूँ, तकिया वगैरह रख लूँ हाँ, तो सूजन चली जाती है। फिर उसके बाद तो अगर पैर को नीचे लटका लेता हूँ तो सूजन आ जाती है उस पर। तो फिर हो जाता है तो कि ये खत्म हो रहा है ना, खत्म होने का चांस नहीं ले रहा है? खत्म हो जाता है हाँ ये जो है, ये दोनों ये एंकल में हाँ पावर नहीं है इसमें, और पप्पू को पावर है। इस तरीका से ये उठ सकता है, हाँ इस तरीका से हाँ मैं उठा सकता हूँ। लेकिन एंकल में पावर नहीं है। तो अभी सब L1 L2 और जो है S1 हाँ S1 जो हिप्स होते हैं टेबल का चोट। और अभी सब मिला का टाइम कितना हुआ, कैसा साल हुआ? ऑपरेशन नहीं, आप ऑपरेशन नहीं करवाए हैं? मेरे को जो है 6 साल पूरे हो गए भाई। 6 साल पूरा हो गया, मैं बता रहा हूँ, 6 साल पूरा हो गया मेरे को। हाँ 6 साल पूरा हो गया। तो पैर में पावर कब से चालू हुआ ना? पावर पावर पैर में कब से हुआ चालू आना? इसको तो है लगभग 1 साल लग गया था पावर आने। तो उस टाइम में मल मूत्र कंट्रोल था ना, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं था शुरुआत में? शुरुआत पैर में इस तरीके से ये उठा रहा हूँ, इस तरीके से पैर बिल्कुल उठता नहीं चाहिए, पहले नहीं उठता था ये इस तरीके से, मैं हाँ पहले बिल्कुल नहीं उठता था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ आज संतोषन है लेकिन अंदर से इसमें प्रॉब्लम है। हाँ, बोल रहे जिस कल में बाहरी संतोषन है, बोल रहे हाँ हाँ बोलिए। जिस टाइम गिरे थे उस टाइम माल मूत्र कंट्रोल था ना? चल गिरे थे उस वक्त जो है हाँ कुछ कंट्रोल नहीं था उसमें जो है, तो 3 वर्ष तक 2.5-3 वर्ष तक कुछ कंट्रोल नहीं था। तो आप कैथेटर लगा के रखते थे ना, कॉन्डम कैथेटर ने, कैसे करते थे आप पेशाब? मैंने जो है वो वाला कैथेटर निकालवा दिया था, वो हॉस्पिटल से लगा हुआ था, करीबन जो है लगा रहा था ऐसे। कितना दिन में निकाले थे? कितना दिन में निकाले थे? 1 साल के बाद मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल करने लगा, कभी कभी कपड़े भी खराब हो जाते थे। डेली कपड़ा खराब होता था डेली? हाँ कपड़ा खराब हो जाता था, लेकिन मैं जो है अपने ब्रेन को ये सोचने की क्षमता बार बार पावर देता था कि मुझको जो है पेशाब आ रहा है, कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन मुझको जो है 1 साल के बाद ये महसूस होने लगा कि अब मुझे जो है यूरिन लगा है, लेकिन कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल नहीं कर पाते थे, मतलब आता था तो पता चल जाता था पैर मेरा पेशाब आ रहा है लेकिन आ रहा है हाँ, लेकिन कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल नहीं था आज जो है कंट्रोल उससे उठ करके और उसको टैम्पू लगा करके पहन करके मैं उठ करके पेशाब कर सकता हूँ। तो आपको उस टाइम बेडसोर भी हो गया होगा? बेडसोर
हाँ पेट सूर हो गया था, हो गए थे लेकिन वो ठीक हो गए थे। फिर जो है सर्दियों में छाले से पड़ते थे, छाले से मैं आपको दिखा रहा हूँ, छाले एक मेरे काला जैसा, काला जैसा एक मेरे पैर में भी था, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी देखिए। हाँ हाँ, थोड़ा छाले जैसा। हाँ इस तरीके के, हाँ इतने इतने बड़े सर्दियों, हाँ पहले नहीं तो मुझ पर बैठा जाता था उठ करके, जैसे कि आज मैं उठ करके ऐसे बैठ सकता हूँ, पहले नहीं बैठा, पहले बिल्कुल नहीं बैठ पाते थे, नहीं बैठ पाता। तो आप ये यही चारपाई पर सोते हैं? हाँ चार बहुत दिन सोया हूँ मैं भाई, मेरे दो साल के लगभग बेड पर ही सोया हूँ। ये यहाँ पर घेर है, यहाँ पर जो मैं बाहर रहता हूँ, घर यहाँ से जो है 500 मीटर की दूरी पर है घर यहाँ से। हाँ 400 घर जाता हूँ, ये रूटीन है मेरा। तो इस पर सोते हैं तो इस पर दिक्कत नहीं होता है बेडशोर उड़शोर होने का डर? नहीं अब कुछ दिक्कत नहीं होता है। अरे भाई मेरे जब गद्दे पर सोता था मैं, बेड पर सोता था तो उसमें हवा नहीं लगता था, ये जो चारपाई है इस पर हवा लगता है नीचे से। और जब मैं लेटता हूँ तो इस पर गद्दा बिछाता हूँ, अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ लेटा। हाँ तो अभी इतना अच्छा साल के अंदर में चलने लगा था। कितना दिन में, मतलब वाकर में कितना दिन में आए थे? वाकर में जो है ना मैं बता नहीं रहा, 6 महीने में मैं खड़ा हुआ, 1 साल 10 कदम से लेकर 25 कदम चलता था। हाँ ये ऐप ये जो ऐप है ये रखे हुए देख रहे हैं। हाँ ये ऐप लगा करके चलता था, इसे चलने में आराम होता है ना? हाँ इससे आराम होता है, इसमें चलने में बैठने में भी आराम रहता है। इसका फायदा बताइए क्या क्या होता है? उस दिन इससे फायदा ये होता है जबकि मेरे एंकल में पावर नहीं है, ये इसको पहनने से एंकल जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, और जब इसमें पावर आएगी एंकल बिल्कुल सीधा रहेगा। हाँ और अगर लगाएंगे तो ये हमारा एंकल जो है झुक जाएगा इस तरीके से, झुक जाएगा इस तरीके से, ये एंकल करता है। जो मैंने कल आपको वीडियो डाली थी वो मैं यहीं चल रहा था, साइड चल रहा था इस साइड। किस वाली सड़क पर चल रहा था? ठीक है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर घर है मेरा। वहाँ से रोज आना, सुबह आना, तो साल डेढ़ 2-3 घंटे रहना, फिर खाने जाना, शाम को जाना। तो मतलब साल डेढ़ साल में आपका वाकर पर चलने लगे थे थोड़ा थोड़ा ना? हाँ डेढ़ साल के अंदर वाकर पर चलने लगा था। और उस टाइम मलमूत्र डेढ़ दो तीन साल के, तो उस टाइम तो मलमूत्र पूरा 3 साल के बाद में, उस टाइम तो मलमूत्र पूरा कंट्रोल नहीं आया होगा? नहीं नहीं उस वक्त नहीं था भाई। वही पूछना पूछ रहे तो उस वक्त नहीं था। तो आप कुछ मेडिसिन खाए ना, ऐसी रिकवरी लाए इतना? रिकवरी लाने में मैं ज्यादातर एक्सरसाइज किया था भाई।
और मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवा, जड़ी बूटी, एक्सरसाइज और दवा हुआ, जड़ी बूटी नहीं खाए हैं? हेलो बोल रहे, दवा खाए हैं क्या? दवा हाँ, दवा भी खाए थे भैया। कौन, जड़ी बूटी का देसी? हाँ दवा खाए थे, दवा खाए थे। कौन, देसी या देसी? आयुर्वेदिक भी खाई थी दवा, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। ओ कहाँ से लिए थे वो दवा? वो दवा हम अपने अलीगढ़ से लिए थे, अलीगढ़ कोई बना के देता था? हाँ हाँ, एक बैद था, बैद। तब आप उसका नंबर रखे होंगे? तेल और तेल वूल देता था क्या, तेल वूल मालिश करने के लिए? हाँ, भेड़ का घी, भेड़ का घी खाने में भी प्रयोग करते हैं। भेड़ का घी ना, भेड़ का घी। तो कितना दिन अभी तक खा रहे हैं दवा, ने छोड़ दिया अब? नहीं, अब मैंने दवा छोड़ दी। अभी मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है बसंतपुर में, अभी वहाँ भी रह के आए थे बचपन से। तो वहाँ कुछ फायदा हुआ? हाँ, वहाँ इतना फायदा हुआ था कि एंकल में सेंसेशन नहीं था, लेकिन वो सेंसेशन महसूस होने लगा है। वहाँ एक्सरसाइज वगैरह कराई गई थी, लेकिन अभी उसमें पावर नहीं है। सेंसेशन आया था लेकिन नहीं आई। तो फ्री का था ना, पैसा वाला था रिहैब सेंटर? वो रिहैब सेंटर जो है वैसे हॉस्पिटल तो जो है मेरे, वो प्राइवेट है ना उसमें। प्राइवेट है? हाँ प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट सरकार की तरफ से वैसे तो काफी महंगा हॉस्पिटल है। तो मेहता भाई, तुमको कितना समय हो गया? मेरे को 13 साल हो गया। 13 साल? हाँ। 13 साल में कितना रिकवरी आया, कितना पावर, सेंसेशन, क्या कुछ है? पैर में जलन, पन, झंझनाहट, पैर अपने से मुड़ना, ज्यादा ताकत अच्छा, से लगाना अच्छा। ज्यादा ताकत लगाते तो पैर में कंपन आना। अच्छा अच्छा। और क्लिपर लगा के खड़ा होते हैं, रेलिंग में चलते हैं। अच्छा, रेलिंग। हाँ। जलनपन बहुत ज़्यादा रहता है, सूजन नहीं हट रहा है। सूजन मेरा 13 साल हो गया, लेकिन सूजन नहीं ख़त्म हो रहा है। इसका रीजन? इसका रीजन ये है, सूजन नहीं ख़त्म हो रहा है शुरू से अंत तक। रीजन ये है कि जिस चीज़ में जान नहीं होती है, जिस चीज़ में पावर नहीं होती है, रहेगी तो मतलब ऐसा भाई से बात करने का नहीं, तो ऐसा भाई से बात किए ना, 3 महीना है किसी का, 6 महीना, उसके बाद सूजन खत्म हो गया, हमेशा के लिए नहीं आ रहा सूजन, लेकिन मेरे को बराबर सूजन आ रहा है। इसका रीजन क्या है? किसी का सूजन आके खत्म हो गया, सूजन आ ही नहीं रहा है, शुरुआत में आया चला गया। हाँ हाँ, सबका अगर चोट, अगर हर व्यक्ति के चोट की लेवल पर है, फिर भी उसकी परेशानी में और तुम्हारी परेशानी में भी अंतर होगा। तो हमको लग रहा है ना, हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वहाँ कुछ चालू है इसलिए सूजन बराबर आ रहा है। वहाँ चालू नहीं रहता तो नहीं आता। सूजन आ रहा है और जा रहा है, तो इसका मतलब जो है पावर उसमें आ सकती है। हाँ, सूजन बराबर, कहीं 10 मिनट बैठ जाएंगे चाहे खड़ा हो जाएंगे तो मतलब सूजन आना ही आना है। देखिए, मैं इस तरीके से पैर लटका करके नीचे बैठा हूँ जमीन पर, इस तरीके से तो इनको सूजन रहेगी। तो मतलब सूजन आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमको फुल गारंटी है रिकवरी आ सकता है। इस तरीके से सूजन रहेगी, तो सूजन आएगा ना, तो मतलब लग रहा है रिकवरी आने का चांस है, मतलब इसका गारंटी है, कुछ ना रिकवरी जरूर आएगा। हाँ भाई,
और जो भाई का सूजन नहीं आ रहा है ना उसका रिकवरी का चांस नहीं है, यही मतलब हुआ ना भाई। मैंने भाई बस ये मैंने सर्जरी नहीं कराया था, बस ये सोचता हूँ कि सर्जरी करा लेता तो जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन मुझको जो 6 साल हो गए ना। नहीं 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 सर्जरी नहीं करवाए, वही ठीक किया। हम तो सर्जरी करवा के फंस गया ना, मेरा उम्र उस टाइम 17 साल था ना उस टाइम, अभी तो टाइम बीत गया मेरा ना, उस टाइम तो ठीक हो गया रहता है बिना उस टाइम तो हड्डी जमाने का उम्र था ना, हड्डी जुटने का।